जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। हरियाणा में बुजुर्गों की होगी बल्ले बल्ले पेंशन में बढ़ोतरी, संभव जानिए कितने रुपए बढ़े हैं। और हरियाणा के बुजुर्गों की वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी हो चुकी है। बजट सन में ही समान पेंशन को बढ़ाकर 2750 रुपये कर दिया है। और अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी तोहफा मिल सकता है। सबसे बड़ी अपडेट आ रही है कि 8 मार्च को वित्तीय मंत्री होने के नाते सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जजपा और भाजपा गठबंधन सरकार का 3रा बजट भी पेश कर दिया है। सांसद की तर्ज पे पहली बार बजट के बाद 5 दिन की रेसेस हो गई है। साथ ही विधानसभा की कमेटियों ने सबसे बड़ा ऐलान किया है कि बजट सन में भी 2750 रुपए का पेंशन होगा। अगली जब भी बढ़ोतरी होगी तो धमाकेदार की बढ़ोतरी होगी। 5100 रुपए हो सकते हैं या तो फिर 5000 रुपए सभी बुजुर्गों के खाते में भी आनी शुरू हो जाएगी। अभी भी तो फिलहाल हरियाणा में सभी बुजुर्गों को अप्रैल महीने से 2750 रुपए बुजुर्गों के खाते में पेंशन आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 250 रुपए की पेंशन में बढ़ोतरी हो चुकी है। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर की सरकार एक ऐसी सरकार है जो हर साल में बढ़ोतरी करती रहती है, लेकिन अब की बार ऐसा सुनने को मिल रहा है कि साल में 2 बार बढ़ोतरी भी हो सकती है। तो दोस्तों जुड़े रहे आप सभी लोग हमारे साथ, हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।